जी महाराज जी, दंदरुआ सरकार डॉक्टर के रूप में पूजे जाते हैं यहाँ के हनुमान, तो डॉक्टर के रूप में पूजे जाने का क्या महत्व? देखिए, यहाँ क्या संसार में हनुमान जी महाराज जहाँ भी प्रतिष्ठित हैं, भगवान श्री राम के अवतार के लिए स्वयं भगवान शिव ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ में प्रकट होकर के आए हैं। क्या हुआ कि भगवान शिव ने जब देखा कि भगवान राम के रूप में अवतरित होने वाले हैं, तो उस समय भगवान ने विचार किया कि मैं भगवान का सेवक बन के जाना चाहता हूँ। तो वैष्णवानाम यथा शंभु, क्योंकि परम वैष्णव है भगवान शिव। तो भगवान शिव जब ब्रह्मचर्य के रूप में, वानर के रूप में अवतार लेना चाहा, माता पार्वती ने कहा कि हे देव, मैंने आज तक आपके बगैर रहना सीखा नहीं है और मैं नहीं चाहती कि आपके बगैर रहूँ। आप एक नया अवतार ले रहे हैं तो मुझे भी कृपा करके ले चलिए। तो श्री भगवान शिव ने कहा कि देवी, मैं सेवक बन के जा रहा हूँ, सबते सेवक धर्म कठोरा। यदि मैं आपको ले चलूँगा तो मैं सेवा कैसे कर पाऊँगा? तो मैं देखूँगा कि स्वामी को, सेवक का धर्म तो केवल स्वामी की आज्ञा और सेवा ही होता है। तब माता पार्वती ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं चलना चाहती हूँ, सहधर्मिणी हूँ आपकी, मैं भी धर्म में सहयोग करना चाहती हूँ। तब भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं बानर बन रहा हूँ, और बानर के यहाँ पूँछ होती है, और मैं शिव हूँ, शिव से बानर बनूंगा, तो पूँछ के रूप में तुम मेरी शक्ति पार्वती आ जाओ। तो साक्षात शंकर हनुमान जी हैं और उनकी पूँछ साक्षात माता पार्वती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं बाहुक में, पालो तेरे टूक को परेहु चूक मुकी, नाकूर कौड़ी दूको हो आपनी और हेरिए, भोरा नाथ भोरे ही सरोस होत थोरे दोस, पोस तोस थाप आपनो ना अवडेरिए, अम्बु तू हो अम्बु चर अम्बु तू हो ढिम्ब सोना, बूझिए विलंब अवलंब मेरे तेरिए, और बालक बिकल जान पाए प्रेम पहचान, तुलसी की बाह पर लामी लूम फेरिए। लूम माने पूछ, एक बार हमारे ऊपर फेर दो, काम हो जाएगा। ये साक्षात पार्वती हैं। इसलिए यहाँ डॉक्टर हनुमान जी महाराज डॉक्टर क्यों कहते हैं? यहाँ सखी रूप हनुमान है, जो कि सखी रूप हनुमान और औषधि का कार्य किया है उन्होंने। माता जानकी के जीवन में जो जो आवश्यकताएं थी उनमें सहयोग किया। भगवान राम के तेरे बल बानर जिताए रन रावण सो, तेरे घाले जात भान भय घर घर के। तो राम जी के प्रत्येक कार्य को साधा है। और जब भगवान ने 11,000 वर्ष इस पृथ्वी पर राज्य करने के बाद साकेत को अयोध्यावासियों के साथ, अवधवासियों के साथ गमन किया, तो उस समय भगवान राम ने हनुमान जी को कहा था कि तुम मेरे बाद मेरे भक्तों के ऊपर दया करने के लिए यहाँ स्थापित रहोगे, तो चारों युग परिताप तुम्हारा, कोई युग ऐसा नहीं होगा कि हनुमान जी तुम्हारे प्रताप में किसी प्रकार का कोई भी न्यून भाव बनेगा, सदा सम रहोगे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, और तीनों लोग हाँकते कांपे। तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि ऐसे हनुमान जी डॉक्टर, हनुमान जी का वो सामर्थ है, सिंधु तरन सीय सोच हरण। संसार में तो कितना सोच होगा, जगत जननी जानकी के शोक कारण किया, तो सिंधु तरन सी सोच हरण, रवि बाल वरण तन भुज विशाल, मूर्ति कराल कालहु को काल, जन गहन दहन निर्दहन, लंक निशंक बंक भुव जात, धान बलवान मान मद दबन पवन शुभ, कह तुलसीदास सेवत सुलभ, सेवत हित संतत निकट, संतत सेवत हित, भगवान की आज्ञा पाल के सेवकों के हित में संतत निकट, गुण गणत नमत सुमिरत जपत समन, सकल संकट विकट, कैसे भी संकट हों, ये ददरुआ हनुमान जी उन संकटों को तुरंत हरण करते हैं। और यहाँ की सिद्ध विभूति श्री श्री महामंडलेश्वर 1008 श्री महंत रामदास जी महाराज, जो कि हनुमान जी के परम उपासक हैं, और हमने उनके नज़दीकी संतों से सुना है कि साक्षात्कार हनुमान जी का उनको हुआ है, और हनुमान जी की कृपा से ही, महाराज जी के स्पर्श मात्र से यहाँ कैंसर जैसे रोगियों को लाभ मिला है कि कैंसर से मुक्त, जो डॉक्टरों ने जिनको कह दिया घर जाके सेवा करो, और वो यहाँ आकर के, दो प्रमाण तो हम अपनी जन्मभूमि से यहाँ दे सकते हैं कि एक बहु देवी मरणासन्न अवस्था को प्राप्त हो गई थी, जो कल एक बालक आया था वो हमसे मिला था, उसके साले की पत्नी थी, जिसको डॉक्टरों ने मना किया था, और यहाँ आने के बाद आज वो 1.5 वर्ष हो गई है, स्वस्थ है, कोई रोग नहीं रहा उसके शरीर में, शरीर कमजोर हो गया था लेकिन अब ठीक है, धीरे धीरे शरीर अनुकूल हो रहा है। एक हमारे यहाँ का करीब 7-8 वर्ष का बालक, जिसके कमर से नीचे के दोनों पैर बिल्कुल ऐसे रह गए थे जैसे किसी को लकवा ले जाता है, फाइलस हो जाता है, ऐसे उस बालक को 5 मंगलवार यहाँ लाया गया, उसके बाद आज वो पूर्ण स्वस्थ है, कोई नहीं कह सकता कि इसे कोई विकार हुआ था, इसके शरीर में इतनी बड़ी विकृति हुई होगी। तो पूज्य महाराज श्री रामदास जी महाराज, जो महामंडलेश्वर महंत जी हैं यहाँ के, वो सिद्ध और समदृष्टा, ऐसे समदृष्टा संत, और हनुमान जी की विशेष कृपा है कि वो किसी का स्पर्श कर लें, हनुमान जी की भभूति जिसको दे दें, बड़े बड़े रोगियों को यहाँ से रोग मुक्त होते देखा है, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने यहाँ आकर के लाभ प्राप्त किया है। और ये त्रिपाठी जी महाराज जो वर्तमान में जिस कार्य को जिनके लिए हम कर रहे हैं, ये हनुमान जी महाराज की कृपा, ददरुआ सरकार के
महामंडलेश्वर महाराज जी की ही प्रेरणा से संकल्प मात्र किया था। 15 महीने जो वेंटिलेटर पे और परिस्थितियों बस जिनके हाथ और पैर उठा कर के रखना पड़ते थे, आज वो अपने पैरों पर खड़े हैं, सभी देख रहे हैं। 15 महीने बाद यहाँ आकर के वो खड़े हुए हैं। तो ये हमारे श्री ददरुआ हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान हैं और यहाँ निरंतर रामचरितमानस का अखंड पाठ और श्री राम नाम संकीर्तन अखंड चलते हैं, ये तो कभी बंद होते ही नहीं हैं। और अनुष्ठान महीने में 1, 2, 3 जितने हो जाएं वो होते ही हैं। तो यहाँ की विभूति, यहाँ तो संपूर्ण भूमि ददरुआ पूरा का पूरा नगर सिद्ध हो गया है, ये स्थान को तो कहा ही कहाँ तक जाए। हनुमान जी महाराज के यहाँ कैसा भी रोग हो, पाँय पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुँह पीर, जर्जर सकल शरीर पीर मई है, देव भूत पितर करम खल काल ग्रह, मोह पर दवर दमानक सीधई है, हो तो बिन मोल के विकानो वारी ते ओट राम नाम की ललाट लिख ली है। महाराज जी का कथन है कि बस हनुमान जी महाराज की कृपा से राम नाम का तिलक जो माथे पर लगा है, बस यहाँ लोग जो विश्वास करके आते हैं उसकी पूर्ति के लिए ये एक सैन बोर्ड जैसा है, और जो भी आकर के यहाँ हनुमान जी महाराज शरण में आता है तो इस तिलक की लाज रखने के लिए हनुमान जी उस पर कृपा करते हैं और निश्चित रूप से वो लाभ को पा करके स्वस्थ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और हजारों लाखों लोग इस बात को देख रहे हैं प्रत्यक्ष। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले अतिथि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।